कभी सांप से बनी शराब के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इसे देखो। यह है स्नेक वाइन, जिसे चाइना, जापान और वियतनाम जैसे देशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल स्नेक वाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो जिंदा सांप को पकड़कर 3 से 4 दिनों तक भूखा रखा जाता है। फिर एक जार में राइस वाइन डालकर उस सांप को भी उसमें डाल देते हैं और भूख के कारण वो सांप उस वाइन को पीता है। पीने के बाद उसे उल्टियां होती हैं और ये माना जाता है कि इन उल्टियों में उसके शरीर से सारा कचरा और गंदगी निकल जाती है। उसके बाद जिंदा सांप को बाहर निकालकर दूसरे जार में राइस वाइन के साथ 4 से 6 महीनों तक रखा जाता है। धीरे धीरे सांप उस वाइन को पीकर वहीं मर जाता है और ऐसा माना जाता है कि सांप का जहर अल्कोहल की वजह से खत्म हो जाता है और इस तरह से बनती है स्नेक वाइन। और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि स्नेक वाइन पीने से हेयर फॉल पर कंट्रोल होता है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। वैसे आप में से कौन कौन वाइन पीता है कमेंट करके बताओ।